अस्तगीफ के आज के दुल्हा जनाब चौधरी फरहत अब्बास साहब जिनके लिए तकलीफ सजाई गई है उनके लिए मुतमस हूँ वो तशरीफ लाए इस अहम मौके पर अपने ख्याल से मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कमांडर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे इजाज में इस पार्टी का इंतजाम और इंतजाम करवाया है और बाकी जो मेरे कलीग्स जिन्होंने ये सारा एहतमाम किया। मैं फर्दन फर्दन सबका जो जहाँ यहाँ पे मौजूद हैं उनका भी और जो नहीं है उनका भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मैं अगर यहाँ पे मुझे समझते हैं कि मैं कामयाब SP रहा हूँ तो इसमें मेरा इतना रोल नहीं है जितना आप लोगों का रोल है। मैंने आप पे एतमाद किया आपने मुझ पे एतमाद किया तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो वो नासिर साहब ने जैसे पहले भी कहा है कि जो आप प्यार से और इज्जत दे के काम ले सकते हैं वो फोर्स से नहीं लिया जा सकता। नस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। मैंने सर के लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैं चाहूंगा कि मैं डेडिकेट करूं। सर विशिंग अ वेरी स्पेशल ऑफिसर अ फुलफिलिंग रिटायरमेंट मे योर न्यू जर्नी बी फिल्ड विद जॉय। You made this training college a great place to work. We will miss you and your smiling face. Enjoy your retirement. It's time to follow dreams long set aside and enjoy the rewards of work done well. In the end, once again, congratulations. You are now your own boss. You have inspired us all by staying calm and passionate. An officer like you is irreplaceable. Sir, happy retirement and salute to you. Thank you, sir. मिट्टी में मिल जावा गुल बनके। जनाब चौधरी साहब जिस तरह पहले दिन साफ सुथरा लिबास पहनकर तशरीफ लाए थे महकमे में आज उसी तरह साफ सुथरे उजले और बेदाग लिबास के साथ वापस तशरीफ ले आए। घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस कितना इस चीज पे फखर महसूस करती है मेरी मम्मी है। अगर वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है मैं सोचती हूँ अपने बाबा के बारे में तो सबसे पहले हमें सीरियसली हमें SP भी बाद में याद आते हैं लेकिन हमें पहले ये याद आता है कि हमारे बाप का अमीन अमीन को ये जहन में आता है कि इतना क्लियर गॉड है उनका कि अब हमारा ये वक्त आ गया है कि आपने भी देखा है अब यंग जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सब पढ़ी लिखी है वो आ रही है पुलिस में आ रही है तो हमारा ये अब मेन फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम लोगों के दिमाग से जो छोटा थोड़ा सा रह गया है परसेप्शन पुलिस के बारे में वो हटाएं हटाकर और फिर दोबारा से इसको रिबिल्ड करें और बस अब आप खुश रहें और इसी तरह अल्लाह करे ये ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो सक्सेसफुल रहे बिल्कुल हम आते रहेंगे जब जब आप हमें बुलाएंगे मुझे बुलाएंगे मेरे बाबा को बुलाएंगे तो मैं अपनी सब फैमिली की तरफ से आपको थैंक यू मेरी जमीन महबूब। ये फरहत साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो इतनी ये सर्विस दी है इसको PCC को और पूरे पुलिस के महकमे को। मेरी जो है ना वो बड़ी टेम्परामेंटल मेरी तबीयत है उसके अंदर जब मैं अफसर से मिलता हूँ ना तो पहली दफा तो मुझे ना ऑटोमेटिकली चाहे बात हो सही हो एक पॉजिटिव या नेगेटिव उपाय पा जाती है उस बंदे के बारे में। जब मैं फरहत साहब से मिला हूँ तो मैं अपने जिंदगी में अगर टॉप 10
पॉजिटिव वाइब्स इनको पहले मिल के आती है, वो इनके से मिलने से मुझे आई है। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। अपने फर्ज को निभाने के लिए जान लेनी पड़े या देनी पड़े, इसे दरेक ना करना। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इज ऑल ही गॉड, जनरल सलामी देगी, जनरल सलामी।